आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो क्या हुआ कि द्रोणाचार्य धोखे से मारे गए, पर इस खबर से अश्वत्थामा ने क्रोध से भरकर पांडव सेना पर महाविनाशकारी नारायण अस्त्र चला दिया। अगर कृष्ण वहां न होते तो पांडव सेना का नामोनिशान ही मिट गया होता। इसके बाद जब अश्वत्थामा को लगा कि उसके हथियार नाकाम हो रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होकर युद्ध भूमि से जाने लगा। इधर दुर्योधन की जीत की खुशी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही थी, और उधर पांडव समझ नहीं पा रहे थे कि द्रोणाचार्य की मौत पर खुशी मनाएं या गम। मैं दुर्योधन की मानसिक हालत का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, मैं सब देखता हूं, युद्ध, पलायन, सब कुछ। मैंने देखा है कि मुश्किलों में फंसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के वध के बाद कर्ण को अपना सेनापति बनाया, लेकिन वो जानता था कि कर्ण के सामने अर्जुन की चुनौती खड़ी थी। कर्ण, आज मैं तेरा सारा अहंकार चूर कर दूंगा। आ, प्रहार कर मुझ पर, प्रहार कर। उठा अपना विजय धनुष और चला बाण मुझ पर। मुझे परास्त करने का स्वप्न भूल जा अर्जुन, संसार का कोई योद्धा कर्ण का वध नहीं कर सकता। किसी भुलावे में मत रहे कर्ण, अब तू केवल विषहीन सर्प जैसा है। अब न तेरे पास देवराज की शक्ति है, न तेरा कवच कुंडल। तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? पर सच तो यही है, कुछ भी तो शेष नहीं है मेरे पास, ना कवच कुंडल, ना इंद्र की अमोघ शक्ति, ना ब्रह्मास्त्र, कुछ भी नहीं। पर ये क्या हो गया है मुझे? ये क्या सोचने लगा मैं तो अभी शेष हूं। मेरा आत्मबल, मेरी शस्त्र विद्या, और सबसे बढ़कर मेरा अर्जुन वध का प्रण तो शेष है अभी। कौन? मैं दुर्योधन। आओ मित्र, क्या हुआ? नींद नहीं आई तुम्हें? जब कानों में शत्रु सेना की गर्जना सुनाई देती है ना, तो नींद हवा हो जाती है मित्र। और अब तो आचार्य द्रोण भी नहीं रहे, हमें क्रोध भी किस पर करूं मित्र? किससे कहूं अपनी पीड़ा? कल तुम्हारी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा मित्र, क्योंकि कल तो मेरा और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होकर रहेगा। मैं जानता हूं कि मैं अपनी शक्तियां खो चुका हूं, पर ये एक तरह से वरदान ही है मेरे लिए, क्योंकि अब अर्जुन और नहीं छिपेगा मुझसे। इसलिए कल या मेरा प्राण रहेगा या मेरे प्राण। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है मित्र, तुम अर्जुन से श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ रहोगे। मैं श्रेष्ठ हूं मित्र, पर उससे अधिक भाग्यशाली नहीं हूं। युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, लक्ष्य संधान या पराक्रम में वो मेरी समानता कभी नहीं कर सकता, किंतु भाग्य के खेल में वो मुझसे श्रेष्ठ है। नहीं मित्र, नहीं, ऐसा मत कहो। महारथी कर्ण के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जानता हूं, पर सच सच होता है मित्र। जिसे कृष्ण जैसा चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल सारथी मिला हो, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा? यदि आज कृष्ण मेरे साथ होते तो एक तो क्या सैकड़ों अर्जुन भी मिलकर मेरा सामना नहीं कर पाते। ऐसा है तो मैं चलूंगा तुम्हारा रथ लेकर। ये क्या कह रहे हो मित्र? मैं हस्तिनापुर के भावी सम्राट को अपना सारथी नहीं बना सकता, पर हां, यदि मद्रपति महाराज शल्य बन सके मेरे सारथी, तो
वो कृष्ण के समान नहीं तो उनसे कम भी नहीं है। पर क्या वो सारथी बनना स्वीकार करेंगे? मैं कहूंगा उनसे, वो मेरा अनुरोध नहीं ठुकराएंगे। तुम्हारी मति मारी गई है कर्ण, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा? मामा से निवेदन करने में लज्जा क्यों आएगी महाराज? जब कृष्ण अर्जुन के सारथी हो सकते हैं तो आप? कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ने का वचन दिया था। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा मामा। मेरे लिए नहीं तो कृष्ण को अपमानित करने के लिए ही कर्ण के सारथी बन जाइए, क्योंकि रथ संचालन में तो कृष्ण भी आपकी समानता नहीं कर सकते। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो दुर्योधन। मैं आपको बहकाऊंगा मामा? अरे ये जानते हुए भी कि यदि आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं एक क्षण में समाप्त हो जाऊंगा। चलो ठीक है, किंतु कर्ण मेरा स्वामी नहीं है, उसे मेरा सम्मान करना होगा। अर्जुन के रथ की ओर चलिए मद्राज शीघ्र, और मेरा रथ सदैव उसके सामने होना चाहिए। मुझे आदेश मत दो कर्ण, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। ये मेरा आदेश नहीं है मामा, ये समय की आवश्यकता है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं करूंगा, पर केवल आज के लिए। बस आज ही बहुत है मामा, आज के बाद या तो कृष्ण के रथ पर अर्जुन नहीं रहेगा या फिर आपके रथ पर कर्ण। कौरव सेना ने एकजुट होकर पांडवों पर धावा बोल दिया है महाराज। कर्ण बार बार अर्जुन की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है किंतु सफल नहीं हो पा रहा है। महाराज शल्य ने कर्ण का रथ आगे बढ़ाया किंतु दृष्टद्युम्न ने भयंकर बाणों की वर्षा से उसका रथ रोक दिया है। कर्ण ने वायु बाण चलाया, दृष्टद्युम्न का संतुलन बिगड़ गया है। अर्जुन ने आगे बढ़कर अश्वत्थामा पर प्रहार किया और वो घायल हो गया है, और इससे पहले कि अर्जुन और प्रहार करे संशप्तक उसे घेरते जा रहे हैं। ये क्या हुआ? भीम दुर्योधन पर लगातार प्रहार कर रहा है, दुर्योधन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। घमासान युद्ध हो रहा है महाराज। भीमसेन की गदा का आघात दुर्योधन के बाएं कंधे पर लगा और वो उछलकर भूमि पर जा गिरा है, किंतु उसने स्वयं को संभाला और प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। हे ईश्वर, मेरा पुत्र घायल तो नहीं हुआ संजय? वो ठीक तो है ना? उसका कुछ पता नहीं है महाराज, पर इधर दुशासन और भीमसेन एक दूसरे के सामने आ गए हैं और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। दोनों के बीच भयानक घमासान शुरू हो गया है महाराज। दुशासन का सारथी मारा गया महाराज। दुशासन भीम से बचकर भाग खड़ा हुआ, गदा लिए भीम उसके पीछे भाग रहा है और उसने प्रहार कर दिया। दुशासन भूमि पर गिर गया है महाराज, और ये भीम ने उसकी गर्दन पर पैर रख दिया है। याद कर दुशासन, याद कर अपने घिनौने कृत्य, याद कर पापी, इन्हीं हाथों से तूने पांचाली के केश पकड़ कर खींचे थे ना? यही पैर जिन पर चलकर तू रजस्वलक पांचाली के कक्ष में घुस गया था, है ना? मुझे छोड़ दे नीच। तुझे छोड़ दूं पापी? आज तो मेरा प्राण पूरा होने का समय आ गया। आज ये भीम तेरा रक्त पिए। देख, तेरी छाती फड़कर तेरा रक्त पान करेगा ये भीम। जय महाकाल। हे ईश्वर, भीमसेन ने जीवित दुशासन की छाती फाड़ दी है महाराज। दुशासन की छाती से रक्त की धारा फूट पड़ी है।
भीम ने रक्त को अंजलि में बटोरा और पी गया और अब वो दुशासन का शव उठाए अपने शिविर की ओर भाग रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। बस करो संजय, बस करो। मैं और नहीं सुन सकता, और नहीं सुन सकता मैं। दुशासन। भीम सचमुच पिशाच बन चुका था। वो कुछ ही पल में जब द्रौपदी के शिविर में पहुंचा तो उसके हाथों में दुशासन का खून से सना हुआ शरीर देखकर एक पल तो द्रौपदी को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब उससे सच्चाई का आभास हुआ तो वो फूट पड़ी। इतने वर्षों का आक्रोश उसका चीत्कार बनकर फूट पड़ा। पांचाली, ये लो दुशासन, उसका रक्त, उसका शव। शाबाश भीम। कहां से चले थे आप और कहां तक पहुंचे? इतने वर्षों अपनी क्रोध अग्नि में झुलसने के बाद आज जाने क्यों दया आ रही है इसका शव देखकर। बोल तो शासन, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैं भाभी थी तेरी, स्त्री को इतना तुच्छ समझ लिया। वस्तु नहीं हूं मैं, सुन रहा है, वस्तु नहीं हूं मैं, वस्तु नहीं है स्त्री, वो किसी की माता है, किसी की भगिनी, किसी की पुत्री है, वो तो किसी का प्रेम है और सबसे बढ़कर स्वयं एक शरीर, एक आत्मा है। ले जाओ भीम, इस नीच का शव और कहीं फेंक दो जंगली जानवरों के बीच। पांचाली, कहां जा रही हो? पता नहीं, जाने कहां जा रही हूं, जाने कहां से चली थी। लगता है मेरे संसार में दिशाओं ने, शब्दों ने, संबंधों ने सबने अपना अर्थ खो दिया है। अर्थ? क्या अर्थ रह गया मेरे जीवन का जब दुशासन, मेरा प्रिय भाई दुशासन ही नहीं रहा तो? पर युद्ध में तो भाई बंधु मारे ही जाते हैं मित्र, युद्ध भूमि में प्राण जाना ही तो वीर गति होती है। ये तो अभिमान की बात है क्षत्रिय के लिए। अभिमान? यदि तुमने देखा होता मेरे जीवित भाई को कैसा अपमानित किया उसने, कैसी क्रूरता की उसके साथ उस नीच भीम ने, कैसा रक्तपात किया, कैसी भयानक पीड़ा दी उस भीम ने मेरे प्रिय भाई दुशासन को। उससे तो साक्षात काल भी काब उठे अश्वत्थामा,
तो शोक मत करो दुशासन की मृत्यु का, प्रतिशोध लो, प्रतिकार करो उन पापी पांडवों का, उन्हें वही पीड़ा दो जो उन्होंने तुम्हें दी। हाँ मित्र, हाँ मेरे सबसे प्रिय भाई दुशासन के साथ उस पापी भीम ने जो किया है, उसका फल तो उसे भुगतना होगा। अब युद्ध का ऐसा ज्वार उठेगा जिसमें वो नीच पांडव बह जाएंगे। प्रणय प्रणय आएगी अब, हाहाकार बचेगा, हाहाकार बचेगा। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है महाराज। अर्जुन ने कर्ण के सारे रक्षकों को मार गिराया है। कौरव सेना के सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए हैं और ये कौरव सेना में भगदड़ मच चुकी है महाराज। अब भाई साहब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कर्ण और अर्जुन में बड़ा योद्धा कौन था, लेकिन ये तो तय है कि कृष्ण के साथ ने अर्जुन की ताकत कई गुना बढ़ा दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण ने सीधा अर्जुन के कंठ में तीर मारा, लेकिन कृष्ण ने रथ के घोड़ों को एक झटके में नीचे बिठा दिया और कर्ण का तीर अर्जुन के सर के कवच को छूता हुआ निकल गया। कृष्ण की इसी चतुराई ने कर्ण को डेस्परेट कर दिया, फिर भी वो अर्जुन को मारने का अपना प्रण कभी नहीं भूला, क्योंकि यही कर्ण के जीवन का इकलौता उद्देश्य था। तो उद्देश्य को कैसे भुलाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं अपने इस उद्देश्य में कर्ण कितना सफल होता है। सुनते रहिए महाभारत।